गुड आफ्टरनून, कैसा जा रहा है आप लोग का एग्जाम? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में। हम लोग ट्राई करेंगे आज इस चैप्टर का सारा कन्फ्यूजन दूर करके, इस चैप्टर में थोड़े सम्स प्रैक्टिस करके आप लोगों को इससे पूरा पूरा फ्री करा दें, ठीक है? कि आपका सम, ये वाला सम्स एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता, ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता। पहले तो समझेंगे इंश्योरेंस होता है क्या। इंश्योरेंस क्या चीज़ है ये आप लोग सबको पता होना चाहिए इस एज में, नॉर्मल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि हम लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं। इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एन एसेट्स, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स इन इवेंट ऑफ अ डिजास्टर, इन इवेंट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर या फिर बोल सकते हैं अनफॉरसीन सरकमस्टांसेस। बेसिकली इंश्योरेंस का एक लाइन में मतलब तो मेरे को इतना ही समझ में आता है। मतलब अगर मान लो आपका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हो रहा है, तो आप मर जाओगे, आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, उसके लिए आपको क्या भरना होगा, एक प्रीमियम अमाउंट भरना होगा, और जो हम लोग सामने मरने के बाद जो नॉमिनी क्लेम करता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड क्लेम। फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, हम लोग के सिलेबस में इंश्योरेंस क्लेम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट टॉपिक जिसको वो लोग डिवाइड किए, दैट इज़ लॉस ऑफ स्टॉक, एंड जो सेकेंड टॉपिक जो उन्होंने डिवाइड किया है, दैट हैज़ बिन टॉट एज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम इसी दो विभाजन में बांटा गया है, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जो ज़्यादा आता है वो लॉस ऑफ स्टॉक एंड फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों ही आ सकता है एग्ज़ाम में, बट जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसका होता है, लॉस ऑफ स्टॉक आने का। इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह रहता है, तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बोलने का मतलब क्या है, ये स्टॉक का डेफिनेशन क्या है, क्या लॉस? देखो, स्टॉक हम लोग को कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स। इस स्टॉक को हम लोग कौन सा स्टॉक बोलेंगे, हम लोग स्टॉक बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कब का क्लोजिंग स्टॉक बोल तो बॉस, कब का क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर या फिर डिजास्टर, ठीक है? डिजास्टर मतलब कुछ भी ऐसा कांड हुआ, जिस दिन वो कांड हुआ उस दिन आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था, मेरे को इससे मतलब है, बाकी मेरे को कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है। बिकॉज मैं बाकी चीज़ का मतलब करके करूँगा क्या, बताओ? कोई भी मेरे काम आएगा बाकी सारा, एक भी चीज़ मेरे को सिर्फ कौन सा फिगर काम आएगा, मेरे को सिर्फ वही फिगर काम आएगा जो मेरे आग लगने वाले दिन था। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी जब आएगी, उसके जब लोग आएंगे आपके गोडाउन में, क्या देखेंगे कि जिस दिन आग लगा उस दिन कितने का माल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ था। ये हमारा उस स्टॉक के बारे में बात होता है। अब इस स्टॉक को निकालना तो बहुत इजी, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और निकल गया। बट अगर इतना इजी होता तो मैं ये चैप्टर पढ़ा नहीं रहा होता। अब सिंपल सा बात यह है कि हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करना होगा, थोड़ा सा ब्रेन एप्लीकेशन करना होगा, जिसके बाद ही ये फिगर्स निकल सकते हैं। जब भी हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक करने जाएंगे तो कुछ बातों को बहुत ही ध्यान रखेंगे कि पहले क्या क्या डेटा गिवन है और किस डेटा को यूज़ करके हम लोग अगला डेटा कैसे निकालें। बिकॉज मिनिमम दो अकाउंट आपको बनाना होगा, दो ठो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा जिससे आपका ये सारा डेटा निकलेगा। एक होता है, सपोज मेरा लॉस हुआ 10,000 का और मैंने क्लेम किया 10,000, ठीक है? बिकॉज मेरा स्टॉक कितना था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, मैंने क्लेम किया कितना, 10,000 का, मेरे को क्लेम मिल जाएगा, नंबर वन, ठीक है? अगर मेरा क्या, इफ़ क्या, पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन द, बोलो, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है? इस पॉलिसी वैल्यू इज द ग्रेटर देन द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर या फिर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकेंड वाला में हम लोग को क्या चीज़ चेक करना है कि मेरे पास पॉलिसी वैल्यू कितना है। पॉलिसी वैल्यू अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इफ पॉलिसी वैल्यू लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, देन क्या होगा, देन एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। नो, वॉट इज एवरेज क्लॉज, इस चीज को आप लोग समझो, एप्लीकेबल, ठीक है? तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये एवरेज क्लॉज होता क्या है, पहले तो इस बात को अच्छे से समझेंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि
हम लोग आपको पूरा का पूरा क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि जितना आपका स्टॉक था उतना का आपने पॉलिसी ही नहीं कराया था। कैसे होगा सिचुएशन देखो, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आएगा, ये मैंने क्या बोला लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पे लॉस का बात नहीं किया था मैंने, यहाँ किसका बात किया था, ओनली द स्टॉक अमाउंट का बात किया था। स्टॉक को क्या क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ हम लोग का जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसका डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एक एक्स अमाउंट लेस सैलवेज वैल्यू। वाई सैलवेज वैल्यू, व्हाट इज सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू वो वैल्यू होता है जैसे मान लो आग लगा, अब आग लगा और आप देख रहे थे आग लग रहा है लग रहा है लग रहा है और जलने दिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक रुपया क्लेम नहीं देगा। सैलवेज वैल्यू मतलब होता है कि आपने ऑनेस्ट अटेम्प्ट लिया अपने गोडाउन में जो भी स्टॉक था उसको बचाने का, आग से या जो भी डिजास्टर हुआ उसे बचाने का एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट लिया। उस ऑनेस्ट अटेम्प्ट में सपोज 10,000 का मेरा टोटल माल था और उसमें से मैंने 2,000 का माल बचा पाया, तो मेरा सैलवेज वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2,000, तो 10,000 सपोज मेरा एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक था, 2,000 मेरा सैलवेज वैल्यू था, तो मेरा नेट में नुकसान कितना हुआ, मेरा तो 8,000 का ही नुकसान हुआ, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम कर सकता हूँ, ओनली एंड ओनली 8,000 रुपये का, ठीक, बिकॉज मेरा लॉस कितना हुआ है 8,000 का। अब वेयर कम्स द सर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, देखो पहले हमको बात करेंगे, मैं इसी सम में आपको एग्जाम्पल देता हूँ पॉलिसी वैल्यू का। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, जितने का मैंने इंश्योरेंस कराया था, मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ 12,000 का, 12,000 का पॉलिसी वैल्यू है। तो अब हम लोग कैसे कंडीशंस चेक करेंगे, समझो बात, ये देखो पॉलिसी वैल्यू कितना 12,000 लिखा मैंने, ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा क्लोजिंग स्टॉक, एज ऑन डेट ऑफ फायर या डिजास्टर, फायर को एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो ये कौन सा फिगर है, ये भाई ये फिगर है, ये फिगर नहीं 8,000 नहीं, ये कौन सा फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। मैंने पॉलिसी वैल्यू का भी ये क्या लिखा है, केस वन, फॉर एग्जाम्पल अगर 12,000 पॉलिसी वैल्यू है तो क्या हुआ, पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस 10,000, तो क्या हो गया, क्लेम कितना हो जाएगा, जितना लॉस हुआ उतना क्लेम हो जाएगा, तो क्लेम कितने का होगा, जितने का लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 8,000 का, तो लॉस इक्वल्स टू क्लेम, लॉस इक्वल्स टू क्लेम किस सिनेरियो में, फर्स्ट कंडीशन। बट देखो सेकंड कंडीशन में आते हैं, सेकंड कंडीशन कैसा दिखेगा, सेकंड कंडीशन में मैं अगर इस पॉलिसी वैल्यू को कर देता हूँ 7,000, ठीक है, मैं पॉलिसी वैल्यू को कितना कर दिया 7,000, अब मेरा क्लेम क्या होगा, सिचुएशन देखो, अब क्या लिखा है, इफ पॉलिसी वैल्यू लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, तो पॉलिसी वैल्यू इज कितना 7,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर 10,000, तो आपने अगर इंश्योरेंस 7 का लेके रखा है तो आपको मैं ज्यादा का क्लेम तो दे नहीं सकता। नाउ हियर कम्स द फंडा ऑफ देन, यहां पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, सिंस पॉलिसी वैल्यू लेस देन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, देयरफोर एवरेज क्लॉज, आप जब सम बनाओगे तो भी ऐसे लिखोगे, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, आप लोग एवरेज क्लॉज को अप्लाई करना है। सर व्हाट इज द एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला, खुद ही सोचो क्या होगा, एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू, लिखते जाना अच्छे से, पहले क्या लिखोगे पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू मतलब कौन सा, ये जो हम लोग का फिगर आया था 12,000 या 7,000, इस बार हम लोग कौन सा ले रहे हैं 7,000, तो ये हम लोग लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय, कौन सा फिगर यहाँ पे आना चाहिए सोच के बताओ मेरे को, लॉस आना चाहिए या क्लेम आना चाहिए बताओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर आना चाहिए। तुम देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना तुमको दिया हुआ है, खुद से खोज के बताओ मेरे को और खुद से इसको सॉल्व करके मेरे को दो कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है और मेरा लॉस का क्लेम कितना है, दोनों में से हमको सही से बताओगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल के दो मेरे को, कौन सा लग रहा है आपको, एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक बार फायर लिख रहे हैं सब चीज के लिए, कोई भी चीज हुआ, इनटू क्या करेंगे, इनटू हमको किसका क्लेम चाहिए था, ये 8,000 रुपया का ही क्लेम चाहिए था बिकॉज लॉस हमारा एक्चुअल में कितना हुआ 8,000, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू क्या लिखोगे, लॉस ऑफ स्टॉक। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने जाऊँ तो क्या सिचुएशन दिखेगा, ये पॉलिसी वैल्यू, मेरा पॉलिसी वैल्यू इज 7,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये कितना था डेट ऑफ फायर में 10,000 रुपया,
तो मैं डिवाइडेड बाई करूँगा इसको 10,000 रुपये से, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 10,000 रुपीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करूँगा किससे, लॉस एज ऑन द डेट ऑफ फायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, इससे जो भी फिगर आता है दैट विल बी समथिंग लेस देन, देखना कितना, 8,000। 8,000 का 8,000 पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। आइए एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, 7/10 × 8 5,600 रुपये आ रहा है। तो जहाँ हम लोग का लॉस हुआ था 8,000, बट हमको क्लेम कितना मिल रहा है, 5,600, बिकॉज वी वर अंडर इंश्योर्ड, ठीक है, वी वर अंडर इंश्योर्ड। तो अंडर इंश्योर्ड का कौन सा सिनेरियो था, ये वाला सिनेरियो, जब हम लोग अंडर इंश्योर्ड थे, पूरा का पूरा मैंने इंश्योरेंस लेके नहीं रखा था, दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योर्ड। तो ये जो पहला जो कुछ मिनट है, ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट था। अब हम लोग इसके ऊपर एक सम्स लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छा होगा। आओ देखते हैं। अब अगर हम इसी सम्स को उठाए, आपको मैं सम्स का ईयर भी लिख के दूंगा, ये ओल्ड सिलेबस में एक सम्स आया था 2017 का, ठीक, इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर एक सम आया था 2017 में। इस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। मैं सम्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन खोज लेना सम्स को। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ अ कंपनी ऑन 27 अप्रैल 2016। मैं डेट ऑफ फायर, जो जो डेटा होता है ना, मेरा आदत है सबसे पहले उस डेटा को यहाँ लिख लो, ताकि मुझे क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ने पड़े। 27 अप्रैल 2016, न्यूमेरिकल से समझने में बहुत ईजी होते हैं। ऑल द स्टॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ द गुड्स वर्थ ₹18,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। बोलते सारे गुड्स जल गए, सिर्फ एक चीज बच गया, और जिसका वैल्यू कितना था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो बचा लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सैलवेज वैल्यू। तो सैलवेज वैल्यू हमारा आया गुड्स का, दैट इज ₹18,000। अभी काम नहीं आएगा, लास्ट में काम आएगा, ठीक है, लिख के रख लेते हैं एक बार। फिर बोलता है स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2015 दिया हुआ है, स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी, ये बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम लोग इतना ज्यादा इसको अरेंज ऑर्डर नहीं करने जा रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओके, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2015, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग आग कब लगा था, 27 अप्रैल 2016 में आग लगा है, 27 अप्रैल 2016 को। तो 27 अप्रैल, और डेटा कहाँ का दिया हुआ है, 1 जनवरी का दिया है और 31 दिसंबर का दिया हुआ है। मेरे को ये दो डेटा दिया है, और मेरे को चाहिए कब का डेटा, मेरे को चाहिए अप्रैल 2016। पहले कौन सा आता है, 15 या 16, 15। तो मेरे को 15 का डेटा से यानी कुछ ऐसा फिगर निकलेगा जिससे मुझे 16 का कुछ मिलेगा, हम देखते क्या मिसिंग है वही मिलेगा अपने को, ठीक है। मैं बता देता हूँ पहले से आपको कि हर समय आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, बैलेंसिंग फिगर, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। नेक्स्ट ईयर कौन सा, जो हम लोग का इंडेमनिटी पीरियड है। व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड, जब मेरा एक्चुअल में आग लगा था। चलो देखते हैं, परचेजेस ड्यूरिंग 2015, ये भी 2015 का डेटा है, सेल्स ड्यूरिंग 2015, ये सारा डेटा 2015 का था। उसके बाद से देखो, परचेज 16 का दिया है, सेल्स 16 का दिया है, ये तो बाद की चीज है ना, पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, 15 के एडजस्टमेंट सारे करने चाहिए। तो वी विल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द 15 वाला पार्ट, जहां तक का डेटा दिया हुआ है। कहां तक का डेटा दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2015 तक का डेटा दिया हुआ है मेरे को। नो प्रॉब्लम सर, देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द कंपनी टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 10% पे लोग वैल्यू करते थे, मतलब ओवर वैल्यू करते थे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वापस इसके ओरिजिनल वैल्यू पे लेंगे, कर देंगे, नॉट अ बिग डील। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वॉज ₹50,000, तो भाई पॉलिसी वैल्यू भी दे दिया है, पॉलिसी वैल्यू कितना दिया, ₹50,000। इस 50,000 को अभी कोई काम नहीं है, लास्ट में काम आएगा, क्योंकि ये हम लोगों को कहाँ काम आएगा, वो एवरेज क्लॉज चेक करने के लिए काम आएगा, वरना पूरा क्लेम दे देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखो लेट्स स्टार्ट द सम्स इन द बुक्स ऑफ प्रेजेंटेशंस इंपॉर्टेंट, वरना फिर बोलते रह जाओगे सीयू मार्क्स नहीं देता है। किस कंपनी का नाम है, कोई भी कंपनी नहीं लिखा, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कब के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बन रहे है? वो भी स्पेसिफाई करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा डेट है, 31 दिसंबर 2015। चलो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, पर्टिकुलर्स बहुत ही ईजी सम्स है, सबसे ईजी चैप्टर है ये सब, मतलब सोचना है मत कि डिफिकल्ट है, द मोस्ट ईजी चैप्टर इज इंश्योरेंस क्लेम। चलो हम लोग लिखा अपना चीज, अब हम लोग देखिएगा पर्टिकुलर्स में। सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है बॉस, 33,000।
33,000, तो टू ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक 33,000. लेकिन हम लोग को क्या बोला था वो लोग, द स्टॉक इज ओवर इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 10%. तो ये जो 33,000 है बॉस, ये क्या है, 10% ऊपर चढ़ा हुआ है. तो इफ वी अज्यूम द कॉस्ट टू बी 100 एंड प्रॉफिट जो दिया हुआ है दैट इज 10%, तो 10 हो गया. तो दिस इज ऑन 110. हम लोग को क्या चाहिए, इनटू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक जो नॉर्मल वैल्यू है. तो ये नॉर्मल वैल्यू के लिए किस, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये ऑब्वियसली ये नॉर्मल वैल्यू है. ये हम लोग इनटू क्या करेंगे इसमें, इनटू 100. इससे करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम टू 30,000. ठीक है, सिंपल था यहां तक, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक दे दिया. नेक्स्ट आइटम क्या दिया था हम लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक. मैं कुछ लाइंस छोड़ रहा हूं, मैं आइटम वाइज करता हूं ताकि मेरे को बार बार सम्स को घुमाना ना पड़े. बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रे बॉस, 66 बोल दिया है वो लोग, तो 66,000. सेम फंडा क्लोजिंग स्टॉक में भी लगेगा, 110 इंटू 100 60,000. दिस विल कम टू 60,000. चलिए नेक्स्ट, परचेज भी दिया हुआ है. परचेज कितना दिया हुआ है, 2015 का 4,60,000. तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टू परचेजेस 4,60,000. डन. नेक्स्ट, कितना इजी इजी सम है बोलो, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता. मैं जो सिखा दूंगा दो तीन सम्स, उससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता आपको. बाय सेल्स, द नेक्स्ट फिगर इज सेल्स, कितना है, 6,10,000. 6,10,000. व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट फिगर, सेल्स भी हो गया, अपना सब कुछ हो गया. अब अपने आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं है इसमें मिसिंग, इसमें खाली एक चीज़ मिसिंग है जो हम लोग देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट. वो तो अब बच्चा लोग भी निकाल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ. इसको हम लोग अगर बैलेंस कर ले तो वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट. अब देखो, अगर आपको ओवर वैल्यूएशन वगैरह चीज़ नहीं पता होता तो आपका क्या होता, गड़बड़ हो जाता, क्योंकि बोलो ओवर वैल्यूएशन वाला ओपनिंग स्टॉक चले जाता नेक्स्ट ईयर में. चलो टू ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ये, बैलेंसिंग फिगर खाली करना है आपको, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है चलो देखते हैं. 6,70,000 में से 4,60,000, मतलब 4,90,000 माइनस करो, आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट विच विल बी 1,80,000. ईजी, नो डिफिकल्टीज. तो हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा था, 31 दिसंबर 2015. बट इससे कोई मतलब नहीं था, इससे हमको क्या चाहिए था, मेरे को इससे सिर्फ एक ही फिगर जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था वो क्या था, दैट वॉज आवर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर एंड द जीपी रेशियो टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर जीपी. ओके, इसमें हमेशा याद रखना आपको दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. हम लोग जो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं दैट इज ओनली फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंड ओनली एंड जीपी रेशियो. यही जीपी रेशियो को नेक्स्ट ईयर हम लोग अप्लाई करेंगे. तो चलो अपना अगला फर्ज क्या बनता है, जीपी रेशियो निकालना. हम लोग यहीं पे जीपी रेशियो निकाल डालते हैं. ठीक है, जीपी रेशियो क्या फॉर्मूला था बचपन में, क्या सीखे थे जीपी रेशियो का, जीपी बाय सेल्स इनटू 100. हाँ सर, ऐसा ही सीखे थे. ओके, तो इसे अप्लाई क्यों नहीं करते हो, करो 180 डिवाइडेड बाय 610 इनटू 100. इसे कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है बताइए, डेसिमल्स में आ रहा होगा आपका, डेसिमल्स में जो भी आ रहा है बताओ मेरे को, और एग्जैक्टली वही लेना, कोई दिक्कत नहीं है. 3 decimal places, 4 decimal places, यस एकदम बताइए आपका क्या आ रहा है. 29 point, सबका आ रहा होगा 29.5082%, ये सबके कॉपी में आना चाहिए 29.5082%. आपके पास 4 decimal place आ रहा है, आप भी 4 लेके चलो, मैं भी 4 लेके चलता हूँ, ताकि क्या होगा सबका आंसर राइट आएगा. चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग का मेन काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट डू यू से, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. ये अकाउंट ही हम लोग का मेन काम का अकाउंट था. कब के लिए बनता है ये, फॉर द पीरियड एंडेड. अच्छा, आग कब लगा था, एंडेड वही होगा जहां आग लगा था. आग लगा था हम लोग का सर 27 अप्रैल 2016 को, और हमारा पीरियड शुरू कहां से हुआ था, कहां से होना चाहिए, जहां से मेरा पिछला ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ था, वरना हम ओपनिंग स्टॉक सही से नहीं निकाल पाएंगे. देखो यहां कहां खत्म हुआ था मेरा पिछला ट्रेडिंग अकाउंट, 31 दिसंबर 15, तो मेरा इसी के नेक्स्ट डे से निकलना क्या चलना चाहिए,
1 जनवरी 2016 से मेरा खुलना चाहिए, कौन सा नया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसी अकाउंट से हम लोग क्या निकालने का कोशिश करेंगे कि 27 अप्रैल के दिन मेरे गुडाउन में कितना स्टॉक था, ये मेरे को इसी अकाउंट से निकलेगा। तो चलिए, यानी हम लोग का हंट क्या चीज़ को लेके है, क्लोजिंग स्टॉक को लेके, ये हम लोग को स्टार्टिंग से पता था, तो हम लोग फोकस उसी पे करेंगे। यानी हमको बाकी सारे फिगर्स चाहिए होगा इंक्लूडिंग जीपी। हम लोग लास्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया, जीपी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाले थे, इस बार जीपी कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकूं। तो टू ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, टू ओपनिंग स्टॉक आपके लिए भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज पहले से ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो कितना आया था अपना क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का था 60,000, दिस बिकम्स आवर ओपनिंग स्टॉक, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक तो अपना मिल गया। 2016 का अप टू द डेट ऑफ फायर का परचेज देखो कितना है, 2,30,000 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो परचेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,30,000, मतलब डेटा से थोड़ा सा कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, 2,30,000। अब देखो उसी पीरियड का सेल्स क्या दिया हुआ, आग लगने वाला पीरियड का बाई सेल्स हम लोग को दिया है 3 लाख रुपीज। और कोई डेटा देख के बताओ मेरे को, सब में आपके लिए रेलेवेंट है, होना भी नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ मिल चुका है, बस मेरे को क्या चाहिए, टू ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ये भी हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मैं हम क्या निकाल सके, अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सके बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरे पास नहीं है और यही मेरे को चाहिए फिगर जो इंश्योरेंस कंपनी आके मेरे पास चेक करेगी। ये मैं ऐसा बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा ऑलवेज इन एवरी सम्स, ठीक। तो मेरे ये कैसे निकालूं, ये इजी है, इस साल का सेल्स, इस पीरियड का सेल्स कितना है, 3 लाख रुपए इस पीरियड का सेल्स। तो 3 लाख इंटू कितना परसेंट था, शायद 29.5082%, 29.5082%। इसको आप लोग कैलकुलेट कर बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका, एकदम करेक्ट है, सबका 88525 आना चाहिए कैलकुलेटर पे, 88525 ये होना चाहिए आपका टोटल। तो इसका टोटल बताइएगा और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक। द टोटल कम्स टू 378525, ठीक है, 378525, दिस इज आवर टोटल। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर बताओ मेरे को क्या आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेटर में, फिर मैं लिखता हूँ। यस 78525, दिस शुड बी योर बैलेंसिंग फिगर। मेरे साथ साथ करते चलना कैलकुलेटर पे, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ कर सको। 78525, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक, ये लॉस नहीं हुआ है, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है। अब हम बनाएगा लॉस, तो इस पेज में अपने पास काफ़ी जगह है, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम। मैं इस दोनों चीज को एक ही स्टेटमेंट में बनाऊंगा कि कितना मेरा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ और मेरा क्लेम कितना आया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन, इन गोडाउन ऑन डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे स्टॉक कितने थे गोडाउन में। आइए देखते हैं कौन सा वाला काम का है, ये पुराना ट्रेडिंग अकाउंट कोई काम का है इसमें, नहीं सर, इसमें तो हमको क्या चाहिए था, सिर्फ जीपी रेशियो चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। मेरे को इस ट्रेडिंग अकाउंट का कोई काम नहीं है, मेरे को इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था जो मेरा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन सके, ये 60,000, इससे ज़्यादा मेरे को पुराने ट्रेडिंग अकाउंट का कोई काम नहीं था। तो कौन सा काम आएगा सर, ये पीरियड का जिस पीरियड में आग लगा था, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक लेना है हमको, ठीक है, करेक्ट, एकदम लोग सही बोलते हैं। 78525 लेस, क्या लेस करेंगे इसमें, सैल्वेज वैल्यू। हाउ मच वॉज आवर सैल्वेज वैल्यू, कितने का सैल्वेज वैल्यू था, सैल्वेज वैल्यू सर हमारा था अराउंड 18,000 रुपीज। तो हम लोग 18,000 का सैल्वेज वैल्यू है, इसको डिडक्ट करके आप मेरे को फिगर दो कि हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ कितने का, लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के कितने स्टॉक का नुकसान एक्चुअल में हुआ। हम लोग इतना तो 18,000 तो बचा ही लिए, तो एक्चुअल में लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, एकदम करेक्ट है 60525, सुपर। तो ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि
एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ इसको। चलो, एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है या नहीं करना है हम लोग वो डिसाइड करेंगे। आओ देखते हैं, हाउ मच इज आवर पॉलिसी वैल्यू, पहले वो चेक कर दे। पॉलिसी वैल्यू कितना था हम लोग का, यहाँ आया था ना हम लोग का पॉलिसी वैल्यू वॉज 50,000। ओके, अब हम लोग पॉलिसी वैल्यू को किससे कंपेयर करते थे, अब हम लोग वो दिखाते हैं तुमको। पहले इफ पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर या फिर लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, बेसिकली कंपेयर करना किससे है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू है हम लोग का 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये कितना है 78,525, तो कौन सा कम है, पॉलिसी वैल्यू कम है ना, तो सिंस पॉलिसी वैल्यू लेस देन क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर क्या लिखेंगे, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, है ना, लेस होता था तभी तो हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करते थे, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। सुपर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तुम लोग का। तो देयरफॉर एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज, ठीक है, एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्लेम एज पर एवरेज क्लॉज। अगर मान लो मेरा इंश्योरेंस 80,000 का होता तो मेरे को कितना का क्लेम मिल जाता, 78 का नहीं, मेरा लॉस का ही क्लेम मिलेगा, कितने का मिलेगा, 60,525 का पूरा मिल जाता। मैं एक बार दोनों चीज करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, एवरेज क्लॉज के हिसाब से जो इस सम में होना चाहिए। तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या था, पहले ऊपर में हम लोग क्या लिखते थे, आओ दिखाते तुमको, देखो हम लोग कहाँ लिखे थे एवरेज क्लॉज का, इसके पहले लिखे थे ना कंसेप्ट वाला पेज में, हम लोग क्या लिखे थे, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग आ जाओ अपना इस पेज में चलते हैं, तो पॉलिसी वैल्यू हम लोग का कितना है, पॉलिसी वैल्यू हम लोग का था अराउंड कितना था हम लोग का पॉलिसी वैल्यू 50,000 वॉज आवर पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर 78,525 मल्टीप्लाइड बाई क्या लॉस, ठीक है, 60,525। चलो इसको कैलकुलेट करके दो मेरे को और बताओ अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आया, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ रहा है आप लोगों का, यस परफेक्ट 38,539 इस रुपीज में है, ठीक है 38,539। ये आपका सम्स खत्म हो गया, यहां तक ये सम्स खत्म हो गया। मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूं, द नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट इफ इसी सम में, यहां तक ये सम खत्म हो चुका है, अगर इसी सम में पॉलिसी वैल्यू क्या होता, पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, ठीक है। नाउ सिंस पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन, अब ये क्या हो गया, ये 78 से ऊपर चला गया, इफ पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन कौन सा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन डेट ऑफ फायर, यहाँ कॉमा दोगे, यहाँ क्या लिखा था एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, यहाँ लिखोगे लॉस ऑफ स्टॉक इक्वल्स टू लॉस ऑफ इक्वल्स टू क्लेम, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक इक्वल्स टू क्लेम। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एवरेज लॉस के हिसाब से भी चलता तो क्या हो जाता, यहाँ 80, ये ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, मतलब देखो सोचो होता क्या कांड, यहाँ 80 हो जाता पॉलिसी वैल्यू की जगह पे, यहाँ पे 80 हो जाता और यहाँ क्या डिवाइड हो जाता 78 से, तो और इनटू अगर 60,525 करते तो ज़्यादा आ जाता, तो ऐसा थोड़ी होगा जितना लॉस है उससे ज़्यादा आपको कंपनी क्लेम कर दिया, मतलब आपको क्लेम दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक विल बी इक्वल्स टू द क्लेम अमाउंट, तो क्लेम यहाँ पे कितना हो जाता, क्लेम इस सिनेरियो में कितना हो जाता, क्लेम इक्वल्स टू 60,525, इतना ही क्लेम होता हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक। ऐसा मत कर देना वहां पे भी एवरेज क्लॉज लगा दिया, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी वैल्यू कम है ज्यादा है, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ सर तो मान लेंगे हम लोग प्रॉपर्ली इंश्योर्ड है और जो लॉस ऑफ स्टॉक होगा वही हमारा लॉस ऑफ क्लेम हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक दो सम्स और करेंगे, पहले आप लोग ये क्लास को अच्छे से देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर हम लोग और भी कुछ सम्स को वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे इसमें पुअर सेलिंग आइटम का है, नॉर्मल लॉसेस का है और फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का भी है, बट वो डिपेंड करेगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि आप लोग को और चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप लोग सेटिस्फाइड हो गया आपका काम इतना में, चलिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आप खुद शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज सबको इंडिविजुअली शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है,
तो आप लोग प्लीज़ ये थोड़ा काम कर दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।